है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मिक्सी फील्ड कॉइल कैसे बनाने का है, उसका तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमारा चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने में आपका मदद चाहिए। इसलिए हमारा चैनल को जितना सब्सक्राइब करेगा तो वीडियो बनाने के लिए हम बहुत, इसलिए आज हम बताना चाहता हूँ फील्ड कॉइल कैसे बनाने का है, उसका तरीका बताएंगे। तो हमारा बजाज कंपनी का मिक्सी है, वो 500 वाट का। तो हमारा जो स्पीड वाला कॉइल है तो ये कॉइल ठीक है। तो कैसा चेक करना है वो भी बता देता हूँ आपको। और हमारा जो दूसरा कॉइल है तो वाला कॉइल ये है, देखिए जल गया है, तो हमने निकाल लिया है उसमें से। ये देखिए जल गया है। अभी हम कॉइल बना के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको बता देते हैं फील्ड कॉइल कैसे चेक करना है। देखिए कैसा चेक करना है मैं बता देता हूँ। ये तीनों वायर है, ये तीनों स्विच का वायर है। मैं देखिए आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो तीनों वायर है, ये तीनों स्विच है, और ये जो है ये जो कार्बन में जाता है ये है हमारा कॉमन वायर। ये देखिए अभी हम उसको कंटिन्यूटी आता है क्या चेक करके बता देता है। आपके पास मीटर है तो फिर आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम सीरीज लाइन से चेक करके बता देते हैं। देखिएगा हमारा कॉइल सी ठीक है। आप देख लेना बॉडी है क्या, ना बॉडी है क्या, इसीलिए बॉडी में टच करके घिस के देख लेना है हमारा कॉइल बॉडी हो गया क्या। ये देखिए इसी तरह बॉडी में दोनों तार लगा देने का है, फिर ऐसा करके देख लेने का है। एक एक बॉडी में लगाने का है, एक वायर में लगाने का है, देखने का है हमारा कॉइल बॉडी है क्या। अभी हम देख लिया बॉडी नहीं है, हमारा कॉइल सही है। आपको मीटर में भी कैसे चेक करना है मीटर से, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है मीटर में। हमारे पास वाला मीटर है डिजिटल। देखिएगा तो आपको ये जो मीटर का कांटा है बाजार में, ये जो एरो है इधर लाकर रखने का है, एक कॉमन में देने का है, और एक इधर मेगा पे भी ये जो हेडफोन की तरफ ये है इधर देने का है, फिर एक बाजार में कांटा रखने का है। जैसे बीप का आवाज़ आता है, देखिए हाँ बीप का आवाज़ आ रहा है। अभी हम एक वायर में इधर लगा लेता हूँ, फिर दूसरी इधर लगा के देखता हूँ। देखिए हमारा आवाज़ आ रहा है, बीप का आवाज़ आ रहा है, कंटिन्यूटी ठीक है। इधर भी देखता हूँ, इधर भी आ रहा है, ये देखिए इधर भी आ रहा है। आप देख लेना है बॉडी में लगा के, ये देखिए बॉडी में मैं लगा के दोनों तरफ दिखा रहा हूँ। देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है। अभी हम इस वायर में लगा के दिखाता हूँ।
देखिए बड़ी नहीं है इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा है। हमारा कॉइल सही है। अभी हम आपको फील कॉइल बना के दिखाऊंगा कैसे बनाने का है। कॉइल बनाने से पहले जला हुआ कॉइल को निकाल लेना है, फिर इसको साफ़ कर लेना है। स्लॉट के अंदर पेपर वेपर जो जला हुआ रहता है उसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको स्केल लेना है, ये सेंटीमीटर का स्केल है वो स्केल लेना है। तो स्केल का काम क्या होता है, स्केल से हम इसका जो लेंथ है हम माप सकते हैं कितना सेंटीमीटर का है कितना इंच का है वो माप सकता है। तो इसलिए हम स्केल के मदद से मैंने माप ले लेगा। देखिए हमारा ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का चौड़ा है। देखिए हमारा ये जो है 2 सेंटीमीटर का है। आपको दिखाने के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर का है। और हमारा जो ये है चौड़ाई में लंबाई में 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर है। तो वो जो यू आकार का जो है उसका माप लेना है, इधर से थोड़ा बड़ा रखना इधर से थोड़ा बड़ा रखना। तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है। अभी हम लंबाई में 5 सेंटीमीटर लेगा और चौड़ाई में 2.5 सेंटीमीटर लेगा, क्योंकि 2 हमारा बराबर रहता है। देखिए 2 बराबर हो गया इसलिए थोड़ा बड़ा रखना है, इसलिए मैंने 2.5 सेंटीमीटर ले लिया और इधर से 5 सेंटीमीटर ले लिया। अभी हम आर्म में मैं कॉइल बना के दिखाएंगे कैसे होता है। अभी हम इसको इधर से 2.5 सेंटीमीटर माप लिया है, फिर इसको राउंड कर लिया है, फिर लंबाई में हमारा 5 सेंटीमीटर निकला है। तो हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई में माप के मोड़ लिया, ये देखिए मोड़ लिया। अभी इधर से हम 2.5 सेंटीमीटर मोड़ लिया, फिर इधर लंबाई में 5 सेंटीमीटर ले लिया, फिर इनको मोड़ लिया मैंने, फिर इसको ये है हमारा फार्मा का डाइस है। तो अभी हम इसको इस फार्मे में मैंने माप कर लेता हूँ, ये देखिए इसी फार्मे में मैंने माप करके इसमें कीला डाल लिया है, ये देखिए कितना अच्छा से बैठ गया है फार्मा। अभी हम इसको डाइस में लगा लेते हैं।
हमारा अभी कॉइल तैयार हो गया है। एक नंबर स्लीपिंग माप करके काट लेना है। इसका स्लिप के अंदर वायर डाल देना है इधर। मैंने डाल दिया है अभी इस तरह को ऐसे डाल लेना है। इधर भी डाल दिया है। वेट तो नहीं है का अभी इसको बंद देना है। हमारा पीछे हमारा वायर ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी ये हमारा जॉइंट होगा, एक कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा वायर बीच में ख़त्म हो गया था इसलिए दूसरा वायर दे दिया एक ही गेज का। तो इसलिए इधर एक जॉइंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक जॉइंट है। नहीं आप लोग समझेगा क्या ये दूसरा कोई कनेक्शन है क्या? एक कनेक्शन कुछ नहीं है, वो हमारा जॉइंट वायर है जॉइंट। तो हमने इधर जॉइंट कर लेगा, हमारा वायर ख़त्म हो गया था इसीलिए। जॉइंट करने से पहले इसको जला लेने का है क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन देता है, इसीलिए जला के लेना है फिर हमारा कनेक्शन मिलेगा। फिर इसको छील लेना है चारों तरफ से। Thank you.
जॉइंट हो गया है, अभी इसको शोल्डर करना है। देखिए हमारे पास स्पोर्ट बाइंडिंग है, अभी स्पोर्ट करके आपको दिखाएंगे कैसे स्पोर्ट करना है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्पोर्ट बाइंडिंग कैसे करना है उसका तरीका बता हुआ है, तो आप चाहे तो उधर देख सकते हैं कैसे स्पोर्ट किया है, कैसा किया है, आप वहां से पता चल जाएगा कैसा किया है। देखिए हमारा सोलर हो गया है, दो मिनट में हमारा शोल्डर हो गया है। अभी इसमें कोई शोल्डर नहीं रखता है, रंग नहीं लगता है, जो कंपनी करता है स्पोर्ट बाइंडिंग स्पोर्ट कर दिया है। अभी दोनों वायर तो पिघल गया, पिघल के राउंड हो गया, अभी हमारा कनेक्शन मिल जाएगा, मिल गया। पहले उसके बाद 7 नंबर का फिल्म पेपर माफ करके काट लेना है, इसके साइज से माफ करके काट लेना है। दो 2.5 सेंटीमीटर का माप के काट लेना है, दोनों इसी साइज का काट लेना है। फिर उसमें ब्लैक टिप काट के इधर चिपका देने का है, उसके बाद ऐसा लपेटने का है, फिर इसको घुमा देने का है, फिर घुमा के दूसरी तरफ टेप लगा देने का है। टेप लगा लिया है, अभी दूसरा वो ऐसा करने का टेप लेने का है, फिर इधर लगाने का है, फिर इधर ऐसा घुमा के फिर इसको टाइट कर देना है, अच्छा से टाइट करके मारना है। इधर बिठा देने का है घर के अंदर, अच्छा से बैठ गया है, देखिए कितना अच्छा से बैठ गया है। अभी इधर से धागा बांधना पड़ेगा, फिर अच्छा से कस के मारना है। हेलो
देखिए हमारा फिलकल अभी तैयार हो गया है, देखिए इतना अच्छा से हो गया। हमारा वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।